नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एक नर्सरी में। इसमें हम बात करने वाले हैं रेशमी नारंगी के बारे में। हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो कि बताएंगे रेशमी नारंगी की पौध किस प्रकार से तैयार की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम राजपाल है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का रहने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे रेशमी नारंगी की। जो रेशमी नारंगी होती है इसमें कई तरह से लगाई जाती है, जैसे कि इसमें हमारे पास साथ देख सकते हैं ये कलम बनी हुई है, इसका काट के कलम बनाते हैं। कलम बनाने के बाद में ये सब इसमें गोबर है और दो तीन चीज़ें मिला के अपनी जैविक खाद बना के लगा देते हैं ताकि इसकी कलम बन के तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगाने के बाद इसमें घास पास जो होती है घास साफ कर दी जाती है। घास साफ होने के बाद में इसका समय समय थोड़ा पानी का देखा जाता है। बाकी जब सर्दी का मौसम आता है तो पीले पत्ते पड़ने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है, ये जब ये बहुत उसके लिए होती है कि अपना घर में शो लगे, शो बनाने के लिए होती है। वैसे अगर इसका खाया जाए तो खाने में बड़ी खट्टी होती है, लेकिन खाने से ज़्यादा बढ़िया अगर घर में लग जाती है बहुत खूबसूरत लगती है। इसके फल होते हैं पीले, हरे हरे होते हैं, हरे हरे पक जाते हैं, पक के बिल्कुल पीले होने लगते हैं, तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत होती है। दूसरी चीज़ इसके फूल जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे फूल आते हैं, फूल खूबसूरत फूल होते हैं उसके। अभी फूल हल्के से हैं, ये आपको देख रहे हैं फूल बहुत ही हल्के से दिख रहे हैं, ये निकल के आते हैं, अच्छे फूल लगते हैं। इस प्रकार से बड़ी अच्छी, ये लगभग तकरीबन 2 साल का पेड़ हो चुका है। बाकी जब इसी में से देन बनानी पड़ती है तो उनको कलम बना के तैयार करते हैं। कलम में गोबर डालते हैं और देग दूब घास होती है उस टाइप की घास लगा के, वो पहाड़ पर घास मिलती वाले, उसके बाद गोबर मिला के लगा दिया जाता है, उससे ये बन के कलम बन के तैयार हो जाती है। हाँ, ये कलम इसी प्रकार से कलम बनाई जाती है। इसमें पता लगा गोबर हो गया आपका, दूब घास होती है पहाड़ पर जो मिलती है यहाँ नहीं मिलती, वो घास लगा के फिर इसमें पन्नी से बांध के इसी कलम तैयार कर ली जाती है। तो फिर पीले पत्ते इसके इसलिए पड़ रहे हैं, जो कोहरा होता है, जो कोहरा पड़ता है, कोहरा में जब ठंडा मौसम आया ठंडे मौसम में ही पीले पत्ते पड़ने लगते हैं। अगर बात करें कोहरे की तो अगर कोहरा भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है कुछ फसलों के लिए, तो इसमें भी अगर कोहरा पड़ रहा है तो पीले पत्ते पड़ जाते हैं पेड़ के। जी हाँ, बाकी पतझड़ का थोड़े दिन के बाद समय आ जाता है, फिर पतझड़ भी होता है, तो ये सब पीले पत्ते भी। ये आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल का पेड़ हो चुका है। जी, 1.5 से 2 साल का पेड़ हो चुका है। उसमें आप इसको रेशमी नारंगी बुलाया जाता है, ये रेशमी नारंगी होती है और इसे लगा देते हैं पेड़ अगर घर में लगाते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है, छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे फल देखें आप, कितने छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं। ये छोटे से फल हैं, बहुत ही प्यारे फल लग रहे हैं ये। हाँ, ये फल अपना फल जो है ये पक रहे हैं, बाकी कुछ कच्चे हैं आप देख सकते हैं। बाकी ये फूल हैं इसके अच्छे से खूबसूरत से फूल हैं, छोटे छोटे सफ़ेद फूल देख रहे हैं आप, बढ़िया। इसकी फिर होता क्या है कि उसका हम मुनाफा कमाना चाहें अगर मार्केट में, तो उसकी छोटी छोटी अपना कलम बना के तैयार कर लेते हैं ताकि मार्केट में अगर बेची जाए तो बिकती हैं, इससे हमारा अच्छा बना एक मुनाफा होता है। अगर ये बड़ा पेड़ है इसको तो बेचा या नहीं बिकेगा, लेकिन छोटे छोटे बना लिए जाते हैं तो उसकी कलम बना के तैयार कर लेते हैं, छोटी छोटी पौध हो जाती है फिर वही कलम की, उसको हम बेचते हैं तो मुनाफा मिलता है हमको, अच्छे पैसे पैदा होते हैं। अगर आदमी करना चाहे तो हम इसकी राय देंगे तो कर सकता है, इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज़ है। ये तो किसी भी समय में बांधी जा सकती है। तो अधिकतर ये होता है कोई भी फसल अक्सर होता है दवाई अगर खाद अगर डाल दी जाती सही समय तो अक्सर तो फसलें तैयार होने लगी हैं। हाँ, तो इसका तो कोई समय नहीं है, किसी भी समय लगा सकते हैं, किसी भी समय कलम, हाँ कलम कभी भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि बड़ा पेड़ है, इसको जब चाहे तैयार कर सकते हैं, ये हो जाएगा आराम से।